सूर्य जी की परमिशन से। ये कोविड पैंडेमिक जब शुरू हो गया तो उस वक्त पहला फेज में तो काफ़ी डर था, हंसी हंसी अभी मेडिसिन में भी डेवलपमेंट हो गई, बाद में वैक्सीन भी डेवलप हो गया, लेकिन फिर इनिशियल स्टेज में मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। टोटल पैंडेमिक में हमने 200 मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन्हाई दिल तो क्या राह में कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। हिम्मत रंग लाएगी सुबह फिर आएगी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे झुके। अप्रिसिएशन के अवार्ड्स मिल रहे हैं एंड इन जू विश्वास जो ये कर रहा है, इट्स रियली वंडरफुल टू मी सब अनसंग हीरोज और इन्होंने अपनी जान में खेलकर जो मदद की है बहादुरी से एंड दिल से, एंड दे हैव सेव्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों लोगों की जान बचाई है और उनको नई जिंदगी दी है। So they are the unsung heroes and they are the real heroes of our society. So the fact that NGO Vishwas is honoring them, it's a wonderful, and I'm really glad to be here for this kind of an event. And I thank Suresh Agarwal ji and Mr. Sandeep Chadha for inviting me to be here to participate in this. So thank you so much. Vishwas NGO, Shri Suresh Agarwal ji sir, इन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए आज जो भी डॉक्टर और पुलिस और समाज के बाकी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का सम्मान किया है, उसके लिए मैं पुलिस दल की तरफ से विश्वास एनजीओ श्री सुरेश अग्रवाल जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है कोविड वॉरियर्स और जिसने भी कोविड के दौरान सबकी हेल्प की है, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस वाले हैं, इतने सारे पीएमसी के कर्मचारी हैं, तो जिन सब ने भी मदद की है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज। एंड विश्वास एनजीओ एक ऐसा एनजीओ जिनके हाथ में जुड़ा हुआ हूँ, वो मतलब जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी काम करते हैं, सो दिस इज़ क्लोज टू माई हार्ट एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। और मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है उनको एंड आई विश देम ऑल द लक। सुरेश जी काफ़ी समाज सेवा करते रहते हैं जी, लॉकडाउन में भी काफ़ी उन्होंने कुछ किया उनके लिए कुछ जी। मैं पर्सनली उनसे ज़्यादा मेरी बातचीत नहीं हुई है, बट यस मुझे पता है कि मतलब उन्होंने क्या क्या किया है एंड आई थिंक कि कमेंडेबल है, क्योंकि ऐसे टाइम पे ऐसी चीज़ करना लोगों के लिए जो मतलब जो बेसिकली उतावले होते हैं कि कोई आके हमारी मदद करे, और भगवान का मतलब एक लक होता है कि हम लोग या वो लोग कर सकते हैं, तो जो कर पाए उसे मदद करनी ही चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज़ ग्रेट, व्हाटएवर हैज हैपेंड इज़ अमेजिंग। अनटचवुड, लेट्स होप कि कोविड खत्म हो गया है एंड ऑफ ऑफिस। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे विश्वास एनजीओ द्वारा आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया? मेरा नाम रिहाना नसीर शेख है, मैं मुंबई पुलिस में हूँ, फिलहाल मैं इंटरपोल क्राइम ब्रांच में ड्यूटी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो अपनी एनजीओ है विश्वास, यहाँ से मुझे फेलिसिटेट किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैंने जो काम कोविड में किया है तो कोरोना योद्धा के लिए जो मुझे सम्मानित किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। और विश्वास सर का ये विश्वास जो एनजीओ है ना, उसका मुझे ये एक बात अच्छी लगी, कैंसर पेशेंट के लिए वो लोग हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा उनका कैंसर पेशेंट के लिए काम को लेके आगे रहते हैं, सुरेश जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो अभी सुरेश सर से मेरी अभी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे कॉल करके इनवाइट किया था
लेकिन जो कैंसर पेशेंट के लिए वो जो काम करें ना, वो बहुत ही सराहनीय है। मेरी खुद की बहन को एक साल पहले कैंसर हुआ था। जो फैमिली डिस्टर्ब होती है जब पेशेंट के लिए जब कैंसर होता है, तो उसके लिए कितनी मुसीबतें आती है, और उसके मतलब उन लोग को आप हेल्प करते हो, मतलब सर जो हेल्प करते हैं वो बहुत सराहनीय है। देखिए, प्लेटलेट डोनेशन के क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ, और प्लेटलेट डोनेशन जैसे कार्य को विश्वास एनजीओ ने जाना, समझा, उसको सराहा, हमको पारितोषिक दिया और आपके सामने इसको प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विश्वास एनजीओ को। प्लेटलेट डोनेशन के क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ, जो कैंसर के लिए कम काम करते हैं, कैंसर पेशेंट्स को जो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो वो प्राप्त कराने का काम हम उनको करते हैं। सुरेश जी खुद एक प्लेटलेट डोनर है और हमारे संपर्क में आए थे 2-3 साल पहले, इसी के मार्फत से उन्होंने मुझसे प्लेटलेट डोनेशन के बारे में जानकारी हासिल करके आज वो भी एक प्लेटलेट डोनर है, और टाटा हॉस्पिटल में हर 15 दिन से वो प्लेटलेट डोनेट करते हैं। पिछले 12 वर्षों से मैं भी इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, और लगभग 300 बार मैंने भी प्लेटलेट डोनेशन दिए हैं, और विभिन्न प्रयासों के माध्यम से हमने 350 से ज़्यादा डोनर इस कार्य में जोड़े हैं। सभी से अपील करता हूँ कि आप भी इस कार्य में जुड़े हमारे साथ में, और एक प्राण लेके कोई भी कैंसर पेशेंट को प्लेटलेट्स की कमी के कारण उनके इलाज में कोई दिक्कत न हो। मैं डॉक्टर बालकृष्ण अडसूल, डीन सेवन हिल कोविड समर्पित रुग्णालय मुंबई। हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट वेव से लेकर अभी तक 47,000 से ज़्यादा मरीजों को ट्रीटमेंट दी है, उसमें से 90% के ऊपर लोग अच्छे हो गए हैं, और हमारे पास 1850 बेड थे, उसमें से 326 बेड जो थे वो ICU नेगेटिव प्रेशर के बेड थे। कोविड रुग्णालय जो सेवन है उसके वजह से मुंबई की जान बच गई है, और मुंबई के जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वार्ड बॉय है, आम आदमी है, पॉलिटिकल लीडर्स है, समाज सेवक है, उनकी सबकी जान बचने के लिए सेवन ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। एक टीम वर्क था। दूसरी चीज़ है, जो विश्वास संस्था है जो कैंसर के लिए और शेल्टर के लिए काम करती है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये जो काम हुआ है मुंबई में, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर करके काम हुआ है, सब चीज़ के, कोविड कैसा प्रिवेंट हो सकता है, कोविड की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, पोस्ट कोविड में पेशेंट को क्या तकलीफ होती है, उसकी क्या क्या जानकारी देनी चाहिए जो अच्छी तरह से बच सकता है। मैं विश्वास एनजीओ जो है वो कैंसर सेंटर काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम मुंबई के लोगों के लिए किया है। ऐसा विश्वास करता हूँ कि इसके आगे ही विश्वास संस्था मुंबई लोगों के लिए विश्वास पैदा करे। धन्यवाद। किंतु जब ये कोविड की विपदा आई, 17 हाहाकार हो गया, तो सब डर गए थे कि ये कैसे फ्यूचर होगा, कैसे चलेगा। तो सब ये अपने फिल्मी रोल तो बहुत देखे होंगे, किंतु आज जो जिनको अवार्ड मिला है, जिन्हें सम्मानित किया गया है, ये जिंदगी के असली हीरो हैं। जैसे डॉक्टर निशिकांत जी हैं, डॉक्टर अर्सुल साहब हैं, ये लोग जिंदगी के असली हीरो हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को जिंदगी बचाई है, कोविड महामारी से हमको छुटकारा दिलाया है, लोगों में एक जीने की नई आस पैदा की है। मैं अपनी टीम की तरफ से सभी अवार्डी को अभिनंदन करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि भगवान की कोविड की लहर दोबारा नहीं आए। कोविड में क्या क्या आपने फैसिलिटी दी थी? पूरा 2 साल कोविड में हमने सबसे पहले तो फूड वितरण किया। जब कोविड चालू हुआ था तो खाने की बहुत तकलीफ थी, जो माइग्रेंट लेबर जा रहे थे उनको फूड वितरण किया। बाद में बच्चे की ऑनलाइन क्लास के लिए गवर्नमेंट ने किया कि प्राइवेट क्लास नहीं होगी, ऑनलाइन क्लास होगी, और गरीब बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, कैसे पढ़ेंगे वो। तो हमने जितने म्यूनसिपलिटी स्कूल है उनके बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिए। और फिर सेकेंड लहर में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, हमने 20 मशीन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बाहर से अमेरिका से मंगवाई हमने, यहाँ अलग अलग हॉस्पिटल में 2-2 मशीन हमने दी, तो लाखों उससे हज़ारों लाखों लोगों की जान बची होगी। और कोविड में हमने ऐसे इस तरह के बहुत काम किए हमने। कोविड में मैंने खुद ने ड्यूरिंग 2 साल में 44 times प्लाज्मा और प्लेटलेट्स दिया। लोगों की सेवा करके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। समाज हमें जब इतना कुछ देता है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। इसी भावना से हमारी पूरी टीम पूरे 2 साल तक कोविड काम में लगी रही। आज फिर कितने लोगों को सम्मानित किया? आज यहाँ पे फिर कितने लोगों को सम्मानित किया गया? नर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, पुलिस कर्मी, कितने लोगों को अवार्ड दिया गया? आज टोटल 25 लोगों को अवार्ड दिया गया। यहाँ पे सर हॉलीवुड से कई उनके बारे में बताना चाहेंगे, कौन आया था यहाँ पे? आज बॉलीवुड से सबसे पहले तो हमारी सबसे अच्छी अभिनेत्री, अपने जाने माने, अपने समय की जाने मानी अभिनेत्री जिनत जी, इनको मैं रिक्वेस्ट किया कि आप आए तो आपके फैन फॉलोइंग बहुत है, सबको बहुत अच्छा लगेगा, आपके दोस्त सब उन्हें नहीं जान देंगे,
उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट, हमारी आग्रह स्वीकार किया और पुगा में आई, उनके हाथ से 12 लोगों को अवार्ड दिया गया। लोग इतने खुश हैं, उनके हाथ से अवार्ड पाकर बहुत खुश हुए लोग। फिर रजनीश दुग्गल जी आए, मधुश्री जी आ रही हैं, अपना रोहित वर्मा जी आए हैं और अपना राकेश कुकरेटी जी आए हैं। बहुत अच्छा लगा, सब आकर अपने हाथ से अवार्ड दे रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।